जी डॉक्टर, वो पेमेंट के बारे में पूछना था। जी वो आपको आज ही जमा करवानी पड़ेगी, 2 लाख एडवांस और 1 लाख आफ्टर द सर्जरी। ये दोनों बहुत ही महंगे पड़ गए हैं मुझको। आज जितना पैसा लगा देंगे ना, कल को फल बन के डबल होके मिलेगा हमें। वो हानिया से माफी मांगने आया था। वो और माफी, जर्क के बैंड में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का ये बहुत गोल्डन चांस है। वो हानिया का भाई है ना, वो हॉस्पिटल में, तो जर्क तो जाता है उसका हालचाल पूछने। यकीन नहीं आता तो खुद जाके देख लो। थैंक यू। बस आपी और कितना खिलाएंगी? ये देख रहे हो, ये सब आज के आज ही खाने हैं। बस ओके, तो फिर खाना तो ये आज ही है। अगर अभी ये सारा नहीं खाओगे तो बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा खाना पड़ेगा, तो तुम्हारी मर्जी है। अच्छा ठीक 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 है, खा लेता हूँ। बेटा आई होप आपकी खाला को कोई मसला नहीं होगा। नहीं नहीं अंकल, वो तो बहुत खुश होती जब आप लोग यहाँ आते हैं। बल्कि एक काम करें, आप भी आज वहीं जाके रेस्ट कर लें, मैं और हानिया हैं ना इधर। चाचा आप लगातार 2 दिन से यही हैं। बेटा आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोगों का आराम करना ज्यादा जरूरी है। चाचा प्लीज आराम कर लें, कल बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। ओके बच्चों मैं चलता हूँ, कोई मसला होगा तो फोन कर देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। अंकल कोई मसला नहीं होगा, आए मैं आपको गेट तक छोड़ के आऊं। ले छुपा क्यों नहीं है, मैंने तुझे क्या कहना था? क्या ये और क्या? ओ ये कहाँ से आ गया, ये तो मैंने फेंक दिया था। यार राइट। क्या है, क्यों बार बार देखे जा रही हो? ओए वो देख। क्या लाल हो रही है तू? पर सीरियसली यार इसको क्या हुआ है? आई हैव नो आइडिया, ये सब बहुत अनएक्सपेक्टेड था। ओए वैसे एक बात बता, तुझे कहीं पसंद तो नहीं आ गया वो? ओफ मुझे क्यों पसंद आएगा वो, भूल गई हो? मुझे तो अच्छा लगा कि उसमें थोड़ा एहसास बाकी है। बोरिंग। हे जरक। हाँ भाई दोस्त कैसे? बस फिट यार। और सुना क्या चल रहा है?
यार तुम लोग बहुत फिट गिग मिली है, यू इंटरेस्टेड? श्योर, व्हाई नॉट? चलो मैं डिटेल्स देता हूँ। यार तुझे तो पता है इस सब को जोया डील करती है, तू उसी को बता दे, वही हमारी बैंड मैनेजर है। हाँ हाँ समझता हूँ। ओहो बड़ी लंबी उम्र है। Hey Zoya, I was just telling Zarek about Shut up. जाओ यहाँ से। हैं? तुम्हें क्या हुआ? I said दफा हो जाओ। पागल। क्या बदतमीजी थी यार? वो तुम्हें गिग के बारे में बता रहा था। तुम बहुत बड़े फ्रॉड हो, चीटर भी एंड अ लायर। क्या मतलब? हाँ, अब बन जाओ इनोसेंट। मैंने क्या किया? क्या हो गया है? Oh God, एक तो मैं तुम्हारे इस पैरानॉइड बिहेवियर से बड़ा परेशान हूँ। 1001 चीजें तुम्हारे दिमाग में चल रही होती हैं। उसमें से किस बात को लेके परेशान हो? God knows better. Exactly, उसके लिए दिमाग चाहिए होता है, जो अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे अम्मा अब्बा ने जो सारा खत्म कर दिया। तुम ना बहुत रूड हो रही हो जोया, और मुझे इस जोया से बहुत नफरत है। जब दिमाग ठकाने भी आ जाए ना फिर बात करेंगे। वो क्या कह तुम्हें यार, पागल हो गई हो तुम? हाँ मैं पागल हूँ, मैं ही सब गलत करती हूँ। तुम तो दूध के धुले हो, हमेशा सब कुछ ठीक करते हो ना। That's actually true. Shut up. सोया, यार संभालो अपने आप को यार, हुआ क्या है? बताओ तो सही कुछ। तुम उस लड़की से मिलने क्यों गए थे? Don't deny, मैंने तुम्हें खुद देखा है। तुम मेरा पीछा कर रही थी? बिल्कुल पागल हो तुम, seriously. Don't cover yourself. तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? तुम उसको भी चीट कर रहे हो और मुझे भी, इतने घटिया तुम कैसे हो सकते हो? सोया, रिलैक्स यार, ओके? उस लड़की का भाई हॉस्पिटल में था, मैं तो बस उसे देखने गया था यार। There is no excuse. मुझे समझ नहीं आती तुम्हें उस लड़की के लिए इतनी फिकर क्यों हो रही है। मैं कोई डम या अंधी नहीं हूँ, सब नजर आता है। हाँ लेकिन तुम ना दिमाग से बिल्कुल खाली हो। तंग आ गया हूँ यार मैं तुम्हारे इस बिहेवियर से। अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है ना तो फाड़ में जाओ। अस्सलामुअलैकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ये कुछ खाने के लिए लाया था तुम लोगों के लिए। थैंक यू। ये क्या बात हुई, ऑपरेशन कंफर्म है ना 12 बजे? जी रात को नर्स आ गई थी, उन्होंने कंफर्म कर दिया था। अल्लाह करे खैर खैरियत से हो जाए। हाय अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। नाश्ता? बहुत जोर से। थैंक यू अंकल। वेलकम। आनिया बेटा मैंने एडवांस जमा करवा दिया है। थैंक यू चाचा। पता नहीं आप ना होते तो अम्मी अब्बू के बाद हमारा क्या होता। कैसी बातें करती हो तुम, क्या हो गया है तुम्हें? उठ गए तुम? अपने लिए हालीम और मेरे लिए ये। हाय कसम से बड़ा ही मजा आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी अहमद, हाउ यू फीलिंग? अभी तक तो ठीक हूँ डॉक्टर। डोंट वरी, 1 घंटे की तो बात है, यू आर स्ट्रांग बॉय। जोया तुम इधर हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। एक तो तुम सबको इकट्ठा करते करते ना एक दिन मेरी म्यूजिक की इंस्पिरेशन ही खत्म हो जानी है। क्या हुआ है जोया, क्या हुआ है? आई नो देयर इज समथिंग रॉन्ग, मगर अगर तुम जरक और विकी की वजह से परेशान हो तो मत हो, दे विल बी फाइन आई प्रॉमिस। अब बताओ भी क्या हुआ है? जरक मुझ पे चीट कर रहा है। What?
किसने कहा है तुम्हें? मैंने खुद देखा है। किसके साथ? उस हानिया के साथ। नो वे, तुम शायद गलत अज्यूम कर रही हो। तुम सबको मैं पागल लगती हूँ। मैंने खुद देखा है उसे हॉस्पिटल में फूल देते हुए। अब तुम बताओ कि आंखों से देखी हुई बात झूठ हो सकती है? What the hell? क्या वो पागल हो गया है? उसे लगता है मैं क्रेजी हूँ, मैं गलत समझ रही हूँ। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है यार। क्रेजी तुम नहीं, क्रेजी वो है, क्योंकि वो सब कुछ गलत कर रहा है। जरक की गलती है यार, और अगर और कुछ भी है तो he has to prove it big time। तुम परेशान मत हो, हम सब ठीक कर लेंगे। अभी सर्जन से मिलकर आ रहा हूँ। सर्जरी वेंट फाइन, अभी वो अनकॉन्शियस है। कुछ देर बाद आप लोग अंदर जाकर मिल सकते हैं, और दो दिन के लिए उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, एंड देन ही कैन बी डिस्चार्ज। नहीं नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, डोंट वरी। वाकई बहुत बैड सीन था यार। देख लिए, यही है वो वीडियो जिससे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था यार। अल्लाह का शुक्र है कि सब लोग भूल गए हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही यार कि इसमें सुसाइड अटेम्प्ट करने वाली क्या बात थी यार। वो एक्चुअली इन द मोमेंट था, और थोड़ी सी अटेंशन भी तो चाहिए थी ना। वाह भाई, बड़ी दोस्ती हो गई दोनों में, दो दिन मैं नहीं आई तो है। ये बताओ कि हानिया के भाई का क्या हाल है? आप बेहतर है कल सर्जरी के बाद से, लेकिन अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन है। हानिया हॉस्पिटल ही? अभी नहीं, हॉस्टल में आएगी थोड़ी देर में। उसके असाइनमेंट मिस हो गई थी ना, वो कंप्लीट करने। कल क्लास में क्या हुआ है? चावलियां यार, सही बताओ ना। वाकई में ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज है कि आदिल गौर से गैग। व्हाट? वाकई यार, ये तो बहुत फिट न्यूज है। हानिया आएगी ना, मैं उसे बताऊंगी। कब है? नेक्स्ट वीकेंड। ऑसम मैन, चलो कुछ खाने चलते हैं कैफे। चलो भाई, मैडम की पेट पूजा का एक सेकंड भी आगे हो गया ना तो बहुत बड़ा मसला हो जाता है यार। अच्छा सॉरी। चलो जैस, कैसी हो? क्या किया है तुमने यार? अब क्या हो गया? जोया, यार मुझे समझ नहीं आती कि वो हर बात को इतना सर पे क्यों सवार कर लेती है। मैं हॉस्पिटल गया था नाइल की रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए। वहां पर हानिया का भाई एडमिट है, तो मौके के हिसाब से मैंने उससे पूछ लिया कर्टसी में। पता नहीं जोया को कैसे पता चल गया यार, पीछा करती है वो मेरा। Disgusting. That is just not possible. Oh my God, yes. What? आदिल। क्या मतलब? आदिल है कनेक्शन बीच में, उसी ने जोया को कहा होगा ये सब। ठीक कह रही हो वैसे। उसने तो जो करना था कर लिया। जरक, जोया बहुत ज्यादा हर्ट है। You have to do something for him. किधर है वो? चलो मेरे साथ। जोया,
जोया यार, तुम ऐसी ओवर रिएक्ट करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरक सही कह रहे हैं जोया, ये सारा मैस आदिल ने क्रिएट किया है तुम दोनों के बीच में। देखो मैं तुम्हें कोई चीट वीट नहीं कर रहा यार, उस लड़की के लिए मैं कुछ भी फील नहीं करता। प्रूव इट। क्या मतलब? तुम अभी और इसी वक्त ये प्रूफ करो कि तुम उस लड़की के लिए कुछ फील नहीं करते हो। कैसे? ओके हाय। हे, लेट मी हेल्प यू। हाउज योर ब्रदर? बेहतर है अब, वो सर्जरी हो गई है इसकी। अंडर सुपरविजन है बट वी आर होप। This is too much. यार तूने उसे सर पे चढ़ा के रखा और इसकी इतनी हिम्मत होगी कि तेरे सामने खड़ा है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तू इतना इमैच्योर कैसे हो सकता है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम बहुत जल्द सबके साथ चुका देंगे। वैसे आज तुमने अच्छा परफॉर्म किया। बस तुम्हारे साथ होती हूँ तो निकल आते। हमें नाइल को बैंड से निकालना होगा। अब मंजिलें हम पा